वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान टाइम इज़ नाउ फॉर आवर सेगमेंट डॉक टॉक और आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग ओरल हाइजीन इशू है जिस तरह आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके फेशियल फीचर्स बदलते हैं झुरियाँ आती हैं आपकी ज़िंदगी आपकी बॉडी आपकी आ, तमाम चीज़ें बदल जाती हैं इसी तरह आपके दांतों में भी तब्दीली आती है नंबर वन जी जो ख़्वीन हमला हैं और जिंदगी के उस फेज से गुजर रही हैं दे आर फार मोर प्रोन टू हैविंग डेंटल प्रॉब्लम्स तो जब आप प्रेगनेंट हैं तो आपने डेंटिस के पास ज़रूर जाना है अपने दांतों का मुआना ज़रूर कराना है दूसरी चीज़ ये कि एज के साथ साथ जो मैं कह रही थी वक्त जैसे जैसे गुजरता है आपके मसूड़े यानि आपके गम्स रसीड करते हैं और ये बात शायद हमें पता नहीं होती और जो हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं अगर आप हाइजीन ट्रीटमेंट देते हैं क्लिनिंग करवाते हैं ब्रिजज एंड इम्प्लान्स लगाते हैं यू हैव टू बी वेरी कि आपका अपना गम आ, कितना हेल्दी है सो so, गम हेल्थ के बारे में बात करेंगे रिसीडिंग गम्स के बारे में बात करेंगे और अगर आपने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा है आपको

लेट्स गो विद द गम्स हेल्थ जी मुझे बताएं रिसीविंग गम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल गो फॉर हाइजीन जिसको पहले स्केलिंग कहते mm -hmm. थे फिर अब डीप क्लीनिंग भी होती है जैसे-जैसे आपकी उम्र यू नो बढ़ रही होती है अगर आप बहुत डीप क्लीनिंग कराएं डोंट दे मेक पॉकेट्स और द गम विल ऑटोमेटिकली कम बैक देखिए सबसे पहले सर वी नीड टू नो कि व्हाट आर द इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गम्स गम्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ है एंड थ्रू ब्लड एंड थ्रू फ्लूइड इन द माउथ वो कनेक्ट होता है हमारी जनरल हेल्थ के साथ हमारे मुंह में 800 से ज्यादा बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं जो कि गम्स में छुपे हुए होते हैं और अगर हम उनको क्लीन नहीं करते तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का डिपॉजिट बना के वहाँ पर एक कैलकुलस नाम की चीज बनाता ठीक है और फिर उस कैलकुलस को साफ करने के लिए वी नीड टू गो टू द डेंटिस्ट प्लाक हम रेगुलर ब्रश से साफ करते रहते हैं और कभी कभार प्लाक अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था वॉशिंग्टन यूनिवर्सिटी की अच्छी भी होती है उसकी वजह यह है कि वो वहाँ पर एक अच्छी कॉलोनाइजेशन करवाता है बैक्टीरिया की जिससे हमारा मुंह बराबर रहता है ठीक रहता है उसका पीएच बैलेंस रहता है बैलेंस रहता है सलाइवा फ्लो बढ़ता रहता है लेकिन अगर वो कैलकुलस बन जाए वो हार्ड चीज बन जाए तो फिर डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है क्योंकि वही कैलकुलस फिर गम्स को रिसीड करता है right. एक तो एज के साथ साथ गम्स रिसीड होता रहता है साथ साथ वो जो कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपॉजिट जो कि पीला एक कदी टाइप की जो जमा होती है उसको साफ़ करने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है अच्छा अब डेंटिस्ट के पास साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई के लिए जाना जरूरी है लेकिन वो लोग जो कि डायबिटीज़ के, के पेशेंट्स हैं जो कि दूसरे सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में हैं उनको छः महीने में एक दफ़ा जा के उन गंदगी को निकालना बहुत ज़रूरी है कल एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊँ आपको एक पेशेंट मेरे पास आई वो उम्र के लिए जा रही हैं और वो रूट कैनल से ब्रिज करवा रही हैं मेरे से मुझे कह रही हैं कि मैं एक सौ पान लेके जा रही हूँ उम्र करने के लिए सो कैन यू इमेजिन के वो उम्र के दस पंद्रह दिन के दौरान भी दे कैन नॉट लीव टोबैको इन पान अच्छा अब ये चीज़ें क्या करती हैं कि फिर तमाम ये ट्बैको मसूड़े और दांतों के बीच में जमा होता है और फिर गम्स नीचे जाना शुरू होते हैं अच्छा जिन लोगों को मैं हमेशा पूछना चाहती थी अक्सर लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है कि वो एक तो हार्ड फूड एक तो वैसे ही हमारी डाइट हाँ। सॉफ्ट हो गई लेकिन हार्ड फ़ूड के शौकीन होते हैं दांत से अखरोट तोड़ लेना फिर हाँ। दूसरी तरफ ये कि हड्डियाँ चबा खाना इससे दांतों पर क्या फ़र्क पड़ता है अब हमने एक रिसेंटली uh, पेशेंट की बकरा ईद से पहले रूट कैनाल शुरू की थी और हाँ। रूट कैनाल के, के बाद दांत चिप्स की तरह हो जाता है। अब वो हो जाता जाता है है तो है अब वो अब वो 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 ब्रिटल तो एक पेशेंट ने बकरा ईद के दौरान निहारी। जो बकरे को बीच में रखा है तो उसने बीच में से क्रैक हुआ है अब वो पेशेंट के पास ऑप्शन कुछ नहीं रहा है के अलावा एंड अब हमने उसको सी स्कैन के लिए भेजा है मुंह के एंड नाउ वी आर प्लानिंग इन प्लांट अच्छा आप इम्प्लान के बारे में मैं आपको इम्प्लान से पहले आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन मुझे ये बताया कि पहले लोग कहते थे कि अगर आपने टबैको का इस्तेमाल किया सिगरेट नोशी की तो आपके मसूड़े काले पड़ जाएंगे इस दफ़ा हम किस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके मसूड़े अगर काले हैं आप लेज़र करवा लें और उनका रंग बेहतर हो सकता है या यानी दोबारा सुर्खी माइल हो सकता है ये क्विक फिक्स तो है लेकिन क्या इसके नुकसान हैं क्या आप ये रिकमेंड करते हैं गम्स का यह है कि डेफिनेटली निकोटीन जब जाके अंदर डिपॉजिट होता है तो डिसकलर हो जाता है लेकिन को हम दो चीजों से जरा कर लें इंडियन और के जो लोग हैं उनके ऑलरेडी उनके में होता है। तो जब होता है, वो एक डार्क शो करते हैं तो okay. है इंडिविजुअल के ऊपर अगर वो चाहता है कि वो थोड़ा सा उसको पिंकिश की तरफ ले आए hmm. तो फिर दो ऑप्शन हैं hmm. एक सर्जरी के थ्रू हम कर सकते हैं दूसरा लेजर का ऑप्शन है बट इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप योर गम्स उनको अच्छा दिखने के लिए अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों की बड़ी गमी स्माइल होती है ना वो इतना hmm. खिलखिला के खुल खुला के hmm. हंसते हैं कि उनके दांत के साथ साथ उनका मसूड़ा भी दिख रहा yeah. होता है उसके लिए भी अब बोटॉक्स मौजूद है बिल्कुल जो कि दोबारा से अपेयर हो सकती है आपका मसूरा ज्यादा दिखता है yeah. वो कैसे लिमिट किया जा सकता है देखिये वो बोटॉक्स के जरिए हम जो उसके जो जो दांत है उसको हम प्रोमिनेंट करना शुरू कर देते हैं और गम्स ऊपर जाना शुरू कर देते हैं अच्छा बोटॉक्स के थ्रू हम टीएमजे डिसऑर्डर भी

इतने ज्यादा पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को ढूंढना पड़ता है लेकिन पीपल लेकिन वो डेंटल फील्ड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है और लोग इतना ढूंढते नहीं है दे दे डोंट जस्ट गो टू अगर जो उनको, अगर उनको कोई टीएमजे डिसऑर्डर होता है ये बहुत है पाकिस्तान में टीएमजे डिसऑर्डर आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ वही जो हम हार्ड डाइट की बात कर रहे हैं कि मुंह से अखरोट तोड़ना गन्ना खाना और पता नहीं क्या कुछ आप इस तरह की गन्ने गंडेरिया जो आप खा रहे थे यू आर आर फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम टी की वजह से जिन हिंजस पे आपका निचला जो टिकावा होता है उसको आप हिला देते हैं कई दफ़ा उसको अनहुक भी कर देते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन टू हैव बट दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव एनी थिंग एल्स यू वॉन्ट टू एड टू द इम्प्लांट्स एंड ब्रिजेस की केयर इम्प्लांट्स देखिए इम्प्लांट्स के लिए एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ कि इम्प्लांट्स एक फॉरन बॉडी है Hmm. जो कि तीन से चार महीने में विदैट ब्रिजेस अब इन दोनों के लिए आपके मसूड़ी हेल्दी होना जरूरी है एंड सॉरी uh, ओके इन मसहूर हेल्दी होना ज़रूरी है एंड यू नीड टू यू नो यू नीड टू हैव प्रॉपर गाम्स यू नीड टू हैव प्रॉपर बोन जिसमें आप इम्प्लांट्स और ब्रिज करवा सकें इम में आप दांतों को यूज़ नहीं करते एक स्क्रू डालते हैं हड्डी के अंदर एंड ब्रिजेस में आप आसपास के दांत को यूज़ करते हैं थोड़ा सा ट्रिम करते हैं उन पर कवर लगाते हैं सो इफ़ यू हैव नाइस बोन आप हेल्दी हैं कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर नहीं है क्रॉनिक स्मोकर नहीं है एंड डायबिटीज़ है और अगर कंट्रोल स्टेट में है तो so बाकी फैक्टर्स अगर आपके कंट्रोल में हैं दूसरा ये कि अगर आपने मसूरों की और ओवरऑल ओरल हाइजीन का अपना ख्याल रखा है यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस लेकिन हो सकता है यू माइट हैव टू प्रिपेयर योर माउथ इन ऑर्डर टू गेट देयर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद थे दैट इज ऑल द टाइम वी है छोटा सा ब्रेक विल बी राइट बैक